ये दुकान इतनी गंदी क्यों पड़ी है? ये छोटू और रामी पता नहीं कहाँ मर गए। बर्तन भी इतने गंदे पड़े हैं, पता नहीं कहाँ मर गए। उठो दोनों, उठो उठो। तुम अभी तक सो क्यों रहे हो? क्योंकि हमें रात को बुखार था और अभी अभी नींद आई। ये सब काम ना करने के बहाने हैं। चुपचाप अपना काम करो। देखो दुकान कितनी गंदी पड़ी है, कूड़ा उठा के फेंको। अभी साफ। ये सब काम ना करने के बहाने हैं। तुम जाकर अपना काम करो। और भाई राम राम, कैसा है? राम राम, नमस्ते। बैठिए और बताइए आप क्या लेंगे? बस पानी ही ले दो। छोटू पानी लेके आओ। ये छोटे बच्चे क्या कर? और बताइए आप कुछ और लेंगे? नहीं नहीं, बस पानी। यहाँ छोटे छोटे बच्चे थे, कुछ कर भी नहीं सकते। मेरे ग्राहक हमेशा ऐसे उदास होके चले जाते हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। बर्तन उठाओ और जाओ अपने भाई के साथ। जाओ अपने भाई के साथ। अपने साथ भाई, तुमने देखा उन्होंने इसने कितनी देर से उन्हें डांटा। तुमने ये तुमने क्या करा? तुम्हें पता है इतने छोटे छोटे 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करवाना, मारना गैर कानूनी है। चाइल्ड लेबर का एक्ट हो रहा है। तुम्हें पता है ऐसे काम करने से 5,000, 30,000 ऐसे करके या 3-4 साल की सजा भी हो सकती है तुम्हें। नहीं नहीं, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे माफ कर दो। मैं उन्हें वापस बुलाऊंगा और उन्हें शिक्षा भी दूंगा। रामू छोटू दोनों इधर आ जाओ। क्या हुआ? अब क्यों बुलाया? आपने तो हमें भगा दिया था ना। अब से मैं तुम्हें शिक्षा दूंगी, फ्री शिक्षा। गवर्नमेंट ने एक चाइल्ड लेबर एक्ट निकाला है जिसमें तुम्हें फ्री शिक्षा मिलेगी। अब ये तो सुधर गया। अगर आपको कहीं पर ऐसे छोटे या छोटू ऐसे करके कोई काम करते हैं दिखते हैं तो उनकी मदद कीजिए, ना कि उनसे फायदा उठा के काम करवाए। उनकी मदद करें और उनके जीवन में कोई जहर ना घोले। धन्यवाद। बाल श्रम पर कितना जाने कितने कानून बने हैं, लेकिन क्या कभी हमने उनका पालन करा है? किसी बच्चे से श्रम कराने से पहले सोचो अपने बच्चों से भी। क्या तुम ये करवाते? करवाना तो दूर, सोच कर ही नैन मराते। कानून के सेक्शन 14 और 3 के तहत पर 14 साल के कम उम्र के बच्चों से मारना या फिर उनसे